So, यार आज हम बात करेंगे पंजाब की। हाँ जी भैया, पंजाब में क्या क्या ऑप्शन है? वैसे लो रैंक पे डायरेक्टली क्या ऑप्शन है? कह रहे हैं शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज पंजाब की। वैसे तो आपने देखा होगा पंजाब के अंदर आज हर कोई, आप कहीं पे भी अगर पत्थर फेंक के मारोगे आपको कोई ना कोई कनेडा जाने वाला मिलेगा या फिर कनेडा भेजने वाले को जाके आपका पत्थर लगेगा। हाँ वैसे तो आज पंजाब के अंदर बहुत सारे कॉलेज है, चप्पे चप्पे पे आपको कॉलेज मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगे, लेकिन पंजाब के बच्चों का बहुत कम इंटरेस्ट पंजाब में, क्योंकि इंडस्ट्री करिकुलम नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, इनोवेशन इंफ्रा टेक्नोलॉजी इसकी काफी ज्यादा कमी है। तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर के स्टेट या फिर अर्बन कंट्रीज, हाँ कनाडा, जापान, जर्मनी, ये प्रेफर करते हैं। तो इधर के जो कॉलेजेस रहते हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी भी सीटें वैकेंट रहती है। खैर कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे जहाँ से फीस स्ट्रक्चर काफी ठीक है, प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाता है, हाँ जी, और फीस भी काफी कम लगता है। पहला हमारा कॉलेज है पंजाब का सबसे बड़ा ग्रुप गवर्नमेंट कॉलेजों का, एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पंजाब के कॉलेजेस आते हैं, वो है आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हाँ जी, आईके जीपीटीयू, ऑलमोस्ट 1900 से चलता हुआ ये कॉलेज आता रहा है। आज ऑलमोस्ट पंजाब के सारे कॉलेजेस जिसके अंडर में आते हैं, इसके खुद के लाइक सबसिस्टेंशियल कैंपस या फिर जो इसके मेन कैंपस है इसका जलंधर के अंदर, कपूरथला जगह है जलंधर के अंदर, तो वहां पे इसका एक मेन कैंपस है। इसके बाद में इसके खुद के सबसिस्टेंशियल कैंपस है जैसा कि अमृतसर, होशियारपुर, मोहाली के अंदर। उसके बाद में इसके मेजोरिटी जो कॉलेजेज है वो एफिलेटेड कॉलेज, हाँ गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज और प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज, बहुत सारे ऑलमोस्ट पंजाब के सारे कॉलेजेस इसी से एफिलेटेड है। इसका मेन कैंपस बिल्डिंग जो है वो जलंधर कपूरथला के अंदर है, काफी बड़ा कैंपस है, ठीक है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है एंड इसके और भी बहुत सारे कैंपस है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है, वो है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब के बठिंडा शहर के अंदर कॉलेज सिचुएटेड है। वैसे बठिंडा के अंदर एम्स बठिंडा भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी बठिंडा के अंदर है। यहाँ पे अगर इस कॉलेज की बात करें तो यार ये जो पीटीयू हुआ करता था आईके गुजरात, उसी का ये टुकड़ा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2015 के आसपास इसके दो टुकड़े कर दिए गए थे। पहले एक पीटीयू हुआ करता था, एक का नाम आईके जीपीटीयू कर दिया, एक का नाम एमआरएस पीटीयू कर दिया। इसका एक बहुत पुराना कैंपस चलता है, हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रेसिडेंट श्री ज्ञानी जेल सिंह जी, उनके नाम पे इसको स्टार्ट किया गया था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ज्ञानी जेल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी बठिंडा के अंदर, वो काफी अच्छा कॉलेज है, रिटर्न काफी अच्छा दे रहा है वो, वहाँ पे जो इंफ्रा इनोवेशन प्लेसमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा देखने को मिलता है, आप यार उसको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में यार हम आगे बढ़े तो कॉलेज आता है कि आपने सुना होगा गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ जी GNDU, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है, बहुत बड़ा कैंपस है, काफी सारे सालों से चलता आ रहा है वो, और भी बहुत सारे कैंपसेस है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में लुधियाना के अंदर एक कॉलेज आता है संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट, आपने सुना होगा, वो भी काफी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद में जेक चंडीगढ़, काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे आते हैं। यार भैया इन कॉलेजों की काउंसलिंग तो खत्म हो चुकी है, हमें एडमिशन कैसे मिलेगा? यार आप डायरेक्टली फैकल्टी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एडमिशन डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एडमिशन जनरली हो जाता है, या फिर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर बोर्डलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी एक्सपर्ट टीम जो है आपका एडमिशन करा देती है, स्पेशली पंजाब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है आपको इन कॉलेजों में, चाहे आपको कंप्यूटर साइंस करना हो, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल जिस भी ब्रांच में करना हो, डोंट वरी, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी टीम की तरफ से अलॉट कराया जाता है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, काफी कम नॉमिनल फीस के अंदर हम आपको एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट अलॉट करा देते हैं।